हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। इसमें पूछा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। मतलब क्या 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका 3 1/3 का। तो सिंपली हमने पिछली भी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9-8 में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें चेक करना है तो हम क्या कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें आंसर 1 आता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/3 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अभी तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे और नीचे जीरो बढ़ाएंगे वन के साथ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये थोड़ा तरीका है। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक्चुअली इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो 0.3, तो ये जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा। और इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 10/3 ना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3, ठीक। तो अभी देखिए क्या आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 10/3 है और इसमें भी क्या है, सॉरी 3/10 है और इसमें 10/3 है। तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा होगा कि 3 1 3 3 1 3, 10 1 10, 10 1 10। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, 1। तो क्योंकि 1/1 भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया सिंपल 1। तो इसलिए अब यहां पर हमें आंसर में क्या लिखना है, हेंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3 है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रिरेज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 3। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चल देन, गुड बाय।